अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप WhatsApp की OTP रिसीव नहीं मेरे पास कर भी पा रहे यही हो। प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह की मेरे पास आ रही है कि मैंने अपना नंबर डायल किया, यहाँ पे आ रहा है डिड नॉट कॉल रिसीव, और यहाँ पे जैसे मैं कॉल मी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है रिक्वेस्ट ए कॉल, और ये कह रहा है वी कुडंट कॉल योर नंबर, प्लीज़ चेक योर। ये देख सकते हैं, अगर आपके पास भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम और आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से इस प्रॉब्लम क्या को करना सॉल्व है? यहाँ पे चले जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आपको हेल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हेल्प पे करेंगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है, नीचे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा द डजंट आंसर माई क्वेश्चन, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा जाता है। इसको बाद अगेन यह ऑप्शन आपके पास आ जाता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट का, लेकिन हमने वी हेल्प सेंटर पे जाना है। यहाँ पे आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं आपने उसको क्लिक इस कर तरह देना से है, है। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे आपको नंबर 3 पे पॉपुलर आर्टिकल में दिखाई देगा अबाउट टेम्प्रेरी बैंड अकाउंट, और नीचे ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस। आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद कंटेक्ट अस जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास सिंपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बिजनेस है या फिर कोई भी व्हाट्सएप है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल व्हाट्सएप है, मैं यहाँ पे कंटेक्ट अस पे जाता हूँ। कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना नंबर डायल करना है, जो कि मैं अपना नंबर वही डायल करने कर के बाद देता हूँ। अब आपने यहाँ पे अपनी मेल एड्रेस डायल कर देनी है, मैं अपनी मेल एड्रेस डायल कर देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म मेल कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपनी कन्फर्म ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ। इसके बाद आ जाता है हाउ डू यू यूज़ व्हाट्सएप। आप अगर एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं, आईफोन, वेब या फिर किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी पे, तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ तो एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आ जाता है प्लीज़ इंटर योर मैसेज बेलो के, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ आपने पे लिखना आपने है लिखना है बाय व्हाट्सएप नंबर इज़ बैंड फ्रॉम व्हाट्सएप काइंडली रिएक्टिव डॉट, और नीचे स्क्रॉल करके आपने लिखना है व्हाट्सएप कॉल नॉट रिसीव। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है क्लिक। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जा रही है रिपोर्ट हमारी, और यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस आ जाते हैं। हमने सीधा नीचे जाना है सेंड क्वेश्चन पे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट। ये देख सकते हैं योर क्वेश्चन हैज़ बीन सेंड। ये आपको जैसे ही आप इसको करते हैं तो 12 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। मैक्सिमम आपको जीमेल पे भी पता चल देख जाएगा सकते हैं कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैसेंजर आपके सपोर्ट ने हमें जीमेल कर दिया कि हाई वेरीफाई योर फोन नंबर विद रजिस्ट्रेशन कोड इज ऑनली वे कैन यू एक्टिव योर नंबर। तो यहाँ पे सारा आर्टिकल इन्होंने सेंड कर दिया है, विद इन 12 घंटे के आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाएगी। अगर आपने 2-3 मरतबा ऐसा किया है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आपने जस्ट स्टैंड इन वेट करना है। 10 दिन के बाद आपका खुद ब खुद व्हाट्सएप रिएक्टिव हो जाएगा, लेकिन इन 10 दिनों में आपने किसी भी व्हाट्सएप पे अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश नहीं करनी और व्हाट्सएप वालों को बार बार जीमेल नहीं करनी। तो कैसी लगी हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और व्हाट्सएप की कोई भी और प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।